हेलो गाइस, कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आप लोग का मेरी एक और न्यू वीडियो में। सो गाइस, आज मैं मौजूद हूँ देहरादून पोंटा हाईवे पर। जैसे कि आप लोग को मैं समय समय पर इस हाईवे की अपडेट देता रहा हूँ और आगे भी देता रहूँगा जब तक इस हाईवे को पूरा कम्प्लीट नहीं किया जाता। सो गाइस, आप लोगों ने मेरी एक अपडेट ज़रूर देखी होगी जो आपका सिग्नी वाले से सीधा मेंदलीपुर तक की थी, और उस अपडेट में मैंने आप लोग को दिखाया कि इस हाईवे पर कितना काम कंप्लीट हो चुका है और कितना काम बाकी है। सो गाइस, आज फिर मैं आप लोग को इस मेंदलीपुर से धर्मवाला तक की ये अपडेट दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी समय हो गया मैंने आप लोग को इस मेंदलीपुर से धर्मवाला के तक की अपडेट नहीं दिखाई, और आगे दिखाता हूँ आज चल के कितना काम इस हाईवे पर हो चुका है और कितना काम बाकी है। सो गाइस, समय न लेते और चलता हूँ और दिखाता हूँ आप लोग को इस देहरादून पोंटा हाईवे की एक और। सो गाइस, ये पड़ता है पूरा मेंदलीपुर। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर एक स्कूल था जो काफ़ी तोड़ दिया गया है, और उस स्कूल को इस साइड में बना दिया गया, जैसे कि आप लोगों को येलो कलर की दीवार दिख रही होगी उस स्कूल को यहाँ पर बना दिया गया है, जिससे बच्चों की पढ़ाई ना रुके। और गाइस, ये मेंदलीपुर में आप देख सकते हैं काफ़ी चौड़ी जगह है, और इस चीज़ का मालूम नहीं कि यहाँ पर क्या बनाया जाएगा, और काफ़ी बड़ी बड़ी लाइटें भी लगा दी गई है। देख सकते हैं दो लाइटें यहाँ पर लगा दी गई है, जिस तरीके से झाझर क्षेत्र में लाइट लगाई गई है, और वहाँ पर काफ़ी बड़ा चौक बनाया जाएगा इस बेस पे, वहाँ पर लाइट लगाई गई काफ़ी बड़ी, और शायद यहाँ पर भी चौक बनाया जाए इसलिए यहाँ पर ये लाइट लगाई गई है। और गाइस, आज मैं आप लोग को इस मेंदलीपुर से धर्मवाला तक की अपडेट दिखाने जा रहा हूँ, और आप लोग को दिखाया जाएगा वीडियो के जरिए कि इस हाईवे पर कितना काम शुरू हो चुका है और कितना काम अभी बाकी है। तो चलता हूँ आगे की और अपडेट दिखाता हूँ आप लोग को चल के मैं इस मेंदलीपुर से। सो गाइस, जैसे कि आप लोग समय समय पर मैसेज करते रहते हैं कि शिमला बाईपास रोड देहरादून पोंटा हाईवे से कितनी दूर है, तो मैं आप लोग को बता दूँ कि मेंदलीपुर से लेकर धर्मवाला तक ये शिमला बाईपास रोड इस हाईवे से काफ़ी सटा हुआ है, और आप देख ही सकते हैं ये जस्ट पास में देहरादून पोंटा हाईवे का निर्माण किया जा रहा है, और शिमला बाईपास रोड इस नए वाले हाईवे से काफ़ी सटा हुआ है। और जैसे कि सिग्नी वाला, शेरपुर, हसनपुर और कल्याणपुर, इन क्षेत्रों से शिमला बाईपास रोड काफ़ी दूर है, 1 से 1.5 किलोमीटर दूर पड़ता है। और गाइस, आज मैं निकल पड़ा हूँ आप लोग को इस हाईवे की एक और नई अपडेट देने के लिए। सो गाइस, इधर देख सकते हैं ये क्रेन के द्वारा काम किया जा रहा है इस हाईवे पर। यहाँ पर साइन बोर्ड लगाए गए हैं कि आगे सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, तो आप थोड़ा स्लो चले। ये देख सकते हैं इधर भी डिवाइडर बनाए जा रहे हैं काफ़ी बड़े बड़े, ये यहाँ लिखा हुआ है गो स्लो, यानी कि अपनी गाड़ी की स्पीड कम रखे, क्योंकि इस हाईवे पर निर्माण का कार्य चल रहा है। ये देख सकते हैं इस साइड में भी काफ़ी काम किया जा रहा है इस हाईवे पर। और काफ़ी समय बाद मैं इस क्षेत्र में आया हूँ, जैसे कि मैंने आप लोग को बल्लूपुर से लेकर और मेंदलीपुर तक की अपडेट दिखाई है, तो आज मैं मेंदलीपुर से धर्मवाला तक की आप लोग को अपडेट दिखाने जा रहा हूँ। ये देख सकते हैं इधर भी काफ़ी मीटर लाकर डाल दिया गया है, और काफ़ी तेज़ी से इस क्षेत्र में भी काम किया जा रहा है। जैसे मैं बीच में आया था तो इस हाईवे पर इस तरीके से कुछ भी काम नहीं छेड़ा गया था, उस वक्त यहाँ पर मकान तोड़े जा रहे थे और थोड़े बहुत डिवाइडर बनाए जा रहे थे। तो आज के समय में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये काफ़ी बड़े बड़े पुल भी बना दिए गए हैं, और इन पुलों को बनाने का रीज़न ये है कि जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि कहीं पर गाँव वालों का आना जाना है, तो कहीं पर काफ़ी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, इसलिए इस हाईवे पर देहरादून के सिग्नी वाला से लेकर और ये मेंदलीपुर तक इसी तरीके से काफ़ी ब्रिज बनाए गए हैं इस हाईवे में। यहाँ पर भी देख सकते हैं इस साइड में भी काम शुरू कर दिया गया, और इस साइड में भी आप देख सकते हैं काफ़ी मटेरियल लाकर यहाँ पर डाल दिया गया है, और जहाँ पर थोड़ी सी नीचाई होगी वहाँ से ऊपर चढ़ के मैं आप लोग को इस हाईवे की अपडेट देता हूँ। और आप देख रहे हैं इस क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है इस हाईवे के ऊपर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसी कोई अपडेट नहीं थी पहले, और इस साइकिल पर आकर मैं अक्सर आप लोग को इस हाईवे की अपडेट देता रहा हूँ और आगे भी देता रहूँगा जब तक इस हाईवे को कंप्लीट नहीं किया जाएगा। और जैसे कि आप लोग को मैंने बताया कि 2025 या 26 के आसपास इस हाईवे को पूरा कम्प्लीट कर दिया जाएगा,
ये मैं यहाँ से आप लोग को ऊपर चल के दिखाता हूँ। वो सामने मैंने अपनी साइकिल रोक दी है। ये नीचे शिमला बाईपास रोड का ट्रैफिक चल रहा है और ऊपर साइड में न्यू पोंटा साहिब हाईवे तैयार किया जा रहा है। गाइज जब ये हाईवे एक साइड से बनकर तैयार हो जाएगा फिर दूसरी साइड से इसको कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि अभी जो नीचे का ट्रैफिक चल रहा है इसको अगर तैयार किया जाए तो ये ट्रैफिक रुक जाएगा और काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ेगी। तो इसीलिए पहले इसको एक साइड से कंप्लीट किया जाएगा फिर दूसरी साइड से कंप्लीट किया जाएगा। ये देख सकते हैं काफ़ी दूर दराज तक इस तरीके से इसको कंप्लीट किया जा रहा है। साइड में डिवाइडर बना दिया गया है और इस हाईवे को यहाँ से 12 से 13 फुट ऊपर उठाया गया है। और जो नीचे ट्रैफिक चल रहा है इसको भी आने वाले टाइम में इसके ऊपर भी काम किया जाएगा और फिर इसके ऊपर ट्रैफिक चालू कर दिया जाएगा, जिसको पर अभी काम चल रहा है कंप्लीट करके। ये देख सकते हैं दूर दराज तक, जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को और इस साइड में भी दिखाता हूँ आप लोग को। इस साइड में भी देख सकते हैं आप लोग काफ़ी दूर दराज तक इधर भी कम्प्लीट किया जा रहा है और डिवाइडर भी बनाया गया है इसमें। ये देख सकते हैं जूम करके दिखाता हूँ आप लोग को और आगे चलकर और अपडेट दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। आगे भी काफ़ी काम किया जा रहा है इस हाईवे पर, आगे भी दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देख सकते हैं इधर भी कंप्लीट किया जा रहा है, इस साइड में भी कंप्लीट किया जा रहा है। और यहाँ पर काफ़ी मकान थे जो तोड़े गए थे, जैसे कि मैंने आप लोग को अपडेट में दिखाया था। और इधर देख सकते हैं यहाँ पर भी एक ये पुल बनाया गया है और पुल के पास में देख सकते हैं रेड लाइट भी लगाई गई है। और आगे और चलकर दिखाता हूँ आप लोग को और ये पूरा बद्रीपुर क्षेत्र पड़ता है जिससे मैं आप लोग को ये अपडेट दिखा रहा हूँ। आगे प्रतीतपुर क्षेत्र पड़ेगा तो प्रतीतपुर की भी मैं आप लोग को अपडेट दिखाता हूँ चल के। फ़िलहाल तो मैं अभी बद्रीपुर क्षेत्र में हूँ और इस बद्रीपुर क्षेत्र में भी आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक काम शुरू किया गया है यहाँ पर। यही क्षेत्र थोड़ा बहुत बचा है काम कंप्लीट करने में मेंदलीपुर से लेकर धर्मावाला तक, और जिसमें अब काम में तेज़ी लाई गई है। देख सकते हैं यहाँ पर भी ये सड़कें काफ़ी खोदी गई है। जब मैं पिछली बार यहाँ पर आया था तो इस तरीके से कोई अपडेट नहीं थी जो आज देखने को मिल रही है। ये देख सकते हैं इधर साइड में भी कंप्लीट किया जा रहा है इसको। यहाँ पर काफ़ी बालू लाकर डाली जा रही है और फिर मशीन के द्वारा उसको समतल कर और फिर उसके ऊपर पत्थर फोड़ चलाकर फिर उसको दबाया जा रहा है ताकि कहीं पर उबड़ खुबड़ ना हो। ये देख सकते हैं यहाँ पर भी ये पत्थर फोड़ के द्वारा मिट्टी दबाई जा रही है। इधर क्रेन के द्वारा खुदाई की जा रही है और भी आगे चल के दिखाता हूँ आप लोग को। ये यहाँ से बस थोड़ा पास में प्रतीतपुर क्षेत्र शुरू हो जाएगा। सो गाइस इस एरिए में भी पहले जब मैं आया था तो एक साइड से काफ़ी खुदाई की गई थी और बहुत ही ज़्यादा कीचड़ हो गया था तो मैं और मेरी साइकिल काफ़ी सन गई थी और यहाँ से ट्रैफिक काफ़ी मुश्किल से निकल रहा था। तो आज के समय में आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक यहाँ पर इसको कंप्लीट कर दिया गया है और भी और ज़्यादा इसको ऊपर भी उठा दिया गया, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी गहराई थी तो यहाँ से इसको बिल्कुल समतल कर दिया गया है, इसको लेवल में ला दिया गया यहाँ से। और दिखाता हूँ आप लोग को आगे चलकर, ये आगे बस जस्ट पास में प्रतीतपुर क्षेत्र शुरू हो जाएगा। प्रतीतपुर तक की मैं आप लोग को अपडेट दिखाता हूँ। सो गाइस इस हाईवे पर अपडेट देते हुए मेरे को कई साल हो गए हैं और 2 से 3 साल तो इस हाईवे पर अपडेट दिए हो गए हैं। आप लोगों ने मेरी काफ़ी वीडियो भी देखी होगी जब से इस हाईवे की शुरुआत हुई थी बनने की तब से, और आज तक मैं आप लोग को इस हाईवे की अपडेट देता आया हूं और आगे भी इसी तरीके से देता रहूँगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये कालीन के बंडल पड़े हैं और इन कालीनों को इस हाईवे के ऊपर बिछाया जाता है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है। आगे दिखाता हूँ, आगे भी कालीन बिछा कर और उसके ऊपर बजरी डाली जाती है फिर मशीन के द्वारा को समतल करके पत्थर फोड़ के द्वारा दबा दिया जाता है। ये देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से इस कालीन को बिछाया जाता है और इसका बिछाने का रीज़न ये है कि इसके द्वारा जो मिट्टी होती है वो खिसकती नहीं, एक जगह पर स्थिर रहती है, इसलिए बड़े से बड़े हाईवे के ऊपर इस कालीन को बिछाया जाता है इस तरीके से।
और आगे चलकर दिखाता हूँ आप लोग को। सो गाइस यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक चल रहा है, तो ट्रैफिक की आवाज़ आप लोग को परेशान कर सकती है। ये देख सकते हैं इधर भी, ये पूरा प्रतीतपुर क्षेत्र पड़ता है यहाँ पर, और प्रतीतपुर क्षेत्र में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर मिट्टी लाकर डाली गई है और पत्थर फोड़ के द्वारा इसको दबाया जा रहा है। ये देख सकते हैं, थोड़ा और आगे चल के दिखाता हूँ आप लोग को। सो गाइस दिल्ली देहरादून हाईवे को कभी भी चालू किया जा सकता है, वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है और नवंबर दिसंबर के आसपास उसकी डेट निकल के आई है, तो आप लोगों ने उसकी भी अपडेट ज़रूर देखी होगी। तो जब उसके ऊपर ट्रैफिक चालू हो जाएगा तो फिर मैं आप लोग को उसकी एक और नई अपडेट दूंगा। तो देख सकते हैं ये पूरा प्रतीतपुर क्षेत्र में इस हाईवे को कंप्लीट किया गया है एक साइड से, और एक साइड से कंप्लीट किया जा रहा है अभी, और आगे तक दिखाता हूँ आप लोग को। ये देख सकते हैं, सो गाइस यहीं से जस्ट पास में धर्मवाला क्षेत्र शुरू हो जाएगा और धर्मवाला की मैं आप लोग को अपडेट दिखाऊंगा चल के। ये देख सकते हैं बीच में डिवाइडर बनाया गया है, और बीच में डिवाइडर बनाया गया, इसके साथ में साइन बोर्ड भी लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को पता है लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, तो रात के समय में इस हाईवे पर ट्रैफिक चलता है, तो ये साइन बोर्ड इसलिए लगाया गया है जिससे लाइट गाड़ी की लाइट का फ्लैक्स पड़े और उससे पता चल जाए कि यहाँ पर बीच में डिवाइडर है। अगर ये साइन बोर्ड ना लगाया जाए तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट होने की संभावना भी बनी रह सकती है यहाँ पर। ये देख सकते हैं, और आगे तक और दिखाता हूँ। और ठाकुरपुर से लेकर और सिगनी वाला शेरपुर हसनपुर कल्याणपुर तक इस हाईवे को पूरा कंप्लीट कर दिया गया है, बीच में डिवाइडर बना दिया गया है, साइड में भी डिवाइडर बनाए जा रहे हैं, और जो साइड में एक छोटी सड़क छोड़ी जा रही है उसको भी कंप्लीट किया जा रहा है। ये देख सकते हैं ये पूरा प्रतीतपुर क्षेत्र पड़ता है। और गाइस मैं इस वक्त इस हाईवे के ऊपर आ चुका हूँ और आप लोग को ऊपर से दिखा देता हूँ। यहीं से जस्ट पास में धर्मवाला क्षेत्र शुरू हो जाएगा, ये जो आप मोड़ देख रहे हैं काफ़ी बड़ा मोड़ है, ये इस हाईवे को यहाँ से मोड़ा जाएगा, और यहाँ से इस हाईवे को बस इतना ही चौड़ा रखा जाएगा, नीचे जो शिमला बाईपास रोड है ये इसको इस तरीके से छोड़ दिया जाएगा। ये देख सकते हैं इधर भी काफ़ी दूर तक इस हाईवे को कंप्लीट कर दिया गया है। थोड़ा और आगे चल के आप लोग को अपडेट देता हूँ मैं इस हाईवे की। ये इधर पूरा प्रतीतपुर गांव पड़ता है और इसके बाद सीधा धर्मवाला क्षेत्र शुरू हो जाएगा। ये यहाँ पर भी देखो काफ़ी बड़ा पुल बनाया गया है, और इस पुल का बनाने का रीज़न ये है कि यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी नदी है और ये नदी सीधा यहाँ से नीचे जाकर गिर जाती है इस साइड में, और इसलिए यहाँ पर ये पुल बनाने का रीज़न है काफ़ी बड़ा। तो आगे चलकर और अपडेट देता हूँ आप लोग को, आगे भी काफ़ी काम किया जा रहा है इस हाईवे के ऊपर। सो गाइस इधर से भी मैं दिखा देता हूँ आप लोग को ऊपर साइड से, इधर भी देख सकते हैं आप लोग, ये यहाँ पर जो मैंने अभी आप लोग को नीचे से दिखाया है ये काफ़ी बड़ा पुल बनाया गया है, और ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मजबूती इस पुल को दी गई है ताकि लंबे समय तक ये टिका रहे, क्योंकि कभी कभी आप लोग अखबारों में भी खबर पढ़ते रहते हैं कि 2 साल पुराना पुल टूट गया या 1.5 साल पुराना पुल टूट गया या नया बनाया तो वो लंबे समय तक नहीं टिक पाया, वो टूट गया। तो ये देख सकते हैं आप लोग कितना मोटे इस पर लेयर रखी गई है ताकि ये लंबे समय तक चले, और आगे और भी दिखाता हूँ मैं आप लोग को। ये देख सकते हैं इधर भी काफ़ी दूर तक इसको हाईवे को इधर भी तैयार किया गया है, और आगे जाके और भी तैयार किया जाएगा। और इस क्षेत्र में अभी काफ़ी काम करना बाकी है, और गाइस मैं साइकिल से चलकर आया हूँ। आप लोगों को बता देता हूँ कि
देहरादून से पांवटा साहिब कम से कम 40 किलोमीटर दूर पड़ता है और मैं अक्सर इतनी दूर हमेशा आता रहता हूँ यहाँ पर आप लोग को इस हाईवे की अपडेट देने के लिए। सो गाइस, बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप जितना हो सके सपोर्ट करें मेरे चैनल को, ताकि मैं जल्दी जल्दी आप लोग को नई अपडेट देता रहूं और आगे की भी कुछ ना कुछ वीडियो आप लोग को लाकर दिखाता रहूं हमेशा। सो गाइस, जैसे कि आपके प्यार से मेरे सब्सक्राइबर 11,000 हो चुके हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपके ही इस प्यार से और भी ज़्यादा सब्सक्राइब होए, और मैं चाहता हूं कि मेरे 1,00,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी हो जाए। सो गाइस, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए और इसी सपोर्ट के ज़रिए मेरे सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं। सो गाइस, मैं यहाँ पर भी आप लोग को इस हाईवे को ऊपर साइड से दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं दूर दराज तक, और इस साइड में भी देख सकते हैं। इधर ये बाग था जिस वजह से काफ़ी बाग बच गया है, जैसे कि मैंने आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये आधे ज़्यादा बाग इस हाईवे में जाएगा, तो ये बाग काफ़ी हद तक बच चुका है। आगे पेट्रोल पंप पड़ता है, वो पेट्रोल पंप भी इस हाईवे में काफ़ी हद तक जा चुका है, तो आगे की और अपडेट दिखाता हूँ मैं आप लोग को। और यहाँ पर मैं आप लोग को बताता हूँ कि यहाँ पर ज़मीनों की सेल हो रही है, ये नंबर लिखा है, अगर आप लोग YouTube के ज़रिए देखना चाहते तो देख सकते हैं, आप लोग इसी नंबर पे कांटेक्ट करके इन ज़मीन वालों से बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि ये हाईवे बन रहा है और हाईवे के बगल में ज़मीन लेना काफ़ी मुश्किल हो सकता है आने वाले समय में, ज़मीन की कभी भी कीमत बढ़ सकती है। तो ये देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर प्लॉट कटे हैं, आगे उस साइड में मकान बन रहे हैं, तैयारी चल रही है मकान बनाने की, नींव रख रहे हैं उधर। सो गाइस, थोड़ा और आगे चलकर आप लोग को दिखाता हूँ मैं इस हाईवे की अपडेट, काफ़ी लंबे समय बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। सो गाइस, देख सकते हैं आप लोग दूर दराज तक, और ये जो सामने पेट्रोल पंप देख रहे हैं, इससे पेट्रोल पंप की आधी ज़्यादा ज़मीन इस हाईवे में चले गई है। और इधर ये हॉस्पिटल पड़ता है, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल आई है और बहुत फेमस है क्षेत्र में। इस हॉस्पिटल के से यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, और ये देख सकते हैं इधर भी ये काम शुरू कर दिया काफ़ी हद तक। सो गाइस, इस वक्त मैं मौजूद हूँ धर्मावाला चौक पर, और धर्मावाला यहाँ से कम 1 से 1.5 किलोमीटर दूर पड़ता है, और ये देख सकते हैं इस धर्मावाला चौक पर ये काम शुरू कर दिया गया, और ये इधर काफ़ी बड़ा गड्ढा किया गया है, और यहाँ पर मेरे ख्याल से एक काफ़ी बड़ा नाला बनाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि इधर देख सकते हैं आप लोग ये नाला है जिससे पानी दूसरी पार जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा नाला बनाया जाएगा। मैं जूम करके दिखाता हूँ आप लोग को। सो गाइस, ये थी मेहंदलीपुर से धर्मावाला तक की अपडेट, और आप लोगों ने देखा ही है कि मेहंदलीपुर से और धर्मावाला तक इस हाईवे पर काफ़ी हद तक काम शुरू कर दिया गया है, और आगे पड़ेगा पांवटा साहिब, तो मैं आप लोगों को अगली बार पांवटा साहिब की भी अपडेट दिखाऊंगा चल के। तो फ़िलहाल ये मैंने आप लोग को मेहंदलीपुर से और धर्मावाला चौक तक की अपडेट दिखाई है। सो गाइस, अगर आप लोग को ये अपडेट अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाएं, ताकि मैं आप लोग के लिए नई से नई अपडेट लेकर हमेशा आता रहूं। सो गाइस, फिर मैं मिलूंगा आप लोग को देहरादून पांवटा हाईवे की एक और नई अपडेट में, तब तक के लिए गुड बाय। सो गाइस, अगली वीडियो आप लोग को मिलेगी धर्मावाला चौक से पांवटा साहिब तक की, तो अगली अपडेट के लिए तैयार रहें।